हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है आज के इस सेशन में हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं अगर वहां ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन आपके सिलेबस में है तो मैट्रिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जरूर आ जाता है तो इसके बारे में आप डिटेल में बात करते हैं लेट्स बिगिन तो मैट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कैसे काम करता है द सर्च फॉर बेटर एंड एंड फास्टर वेज टू 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 डेवलप प्रोडक्ट कस्टमर नीड हैज द कंपनीज चूज स्ट्रक्चर सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको आंसर करना चाहता था वो क्वेश्चन था कि वाई मैट्रिक स्ट्रक्चर राइट हमें मैट्रिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है अब हो क्या रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर की नीड्स बदल रही है प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे कंपनीज के पास हो गए हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करना है आपको अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है क्योंकि अगर आप बहुत ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर रखोगे या बहुत ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर रखोगे तो वहां कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती है वहां वहां पर आप वहाँ जो आपके प्रोसेस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं उसकी वजह से कंपनीज को कॉम्पिटेटिव एज नहीं बन पाता तो इस वजह से अगर आपको कॉम्पिटेटिव एज को बनाना है तो वहां पर मैट्रिक स्ट्रक्चर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है आगे चलकर हम इसमें एडवांटेजेस में इसकी सारी डिटेल में बात करेंगे तो क्यों हमें जरूरत है बिकॉज कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है दैट टू वेरी फास्ट

दो तरीके से करना है फर्स्ट बाय फंक्शन तो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी हमने यही सीखा था कि फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर को बनाओ प्लस प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओ प्रोडक्ट के हिसाब से मतलब हमने डिविजनल स्ट्रक्चर का एक टाइप पढ़ा हुआ है, तो मैट्रिक्स मतलब तो well तो का अगर आप मर्ज करते हैं दोनों को मिक्स करते हैं इसीलिए इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कई बार कहा जाता है अगर आप इसको मर्ज करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है इन द ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर ग्रिड That shows, इसमें हम एक चीज इंपॉर्टेंट समझेंगे दोनों को मिक्स करेंगे और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे एग्जाम्पल देखते हैं एक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है एक वाइस प्रेसिडेंट

रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन तो ऊपर से फंक्शनल की लाइन और एक साइड से हमारी लेफ्ट टू राइट वाले में प्रोडक्ट की लाइन जब इन दोनों को आप मर्ज कर देते हो तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है इसको हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं राइट

सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन को मैंने डिटेल कवर किया था फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिसेंट्रलाइज मतलब जब आप पावर को किसी जगह सेंट्रलाइज नहीं करते उसको जो है वो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं लोगों के हाथ में देते हैं डिविजन के हाथ में देते हैं डिपार्टमेंट्स के हाथ में देते हैं वो अपने लेवल पर अपने डिसीजन को ले सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है फ्लैटर स्ट्रक्चर होता है हिरारकी लेवल्स बहुत कम होते हैं और डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है तो ये इसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज फंक्शनल इंप्लॉइज रिपोर्ट टू देर हेड्स ऑफ देर रिस्पेक्टिव फंक्शंस जो जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं वो अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के जो हेड है कि वो रिपोर्ट तो अपने फंक्शनल हेड को करते हैं लेकिन उनका जो डायरेक्ट सुपरविजन होता है वो अपने फंक्शनल हेड से नहीं होता तो वो किससे होता है तो इंस्टेंट वो किसके अंदर काम करते हैं तो जितने भी वो जो प्रोडक्ट के मैनेजर है जो अभी-अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ये वाला डायग्राम देखिए यहां जो प्रोडक्ट का मैनेजर है ये आपको सुपरवाइज करता है ये आपको गाइड करता है कि आपको क्या काम करना है ये आपकी परफॉर्मेंस को देखता है मॉनिटर करता है लेकिन आप हो सकता है जो आपकी रिपोर्टिंग होती होगी वो आपके सेल्स एंड मार्केटिंग वाले हेड को होता होगा या फाइनेंस वाले हेड को होता होगा लेकिन आप डायरेक्ट सुपरविजन में किसके अंडर काम कर रहे हैं तो जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर है उसके अंडर काम कर रहे हैं द टीम ऑफ ऑफ द द मेंबर्स टीम आर कॉल्ड टू बॉस इंप्लाइज अब यहां पर आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टू बॉस स्ट्रक्चर इसको क्यों कहा जाता है ये भी क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलता है ही बात है एक साइड पे आपके फंक्शनल हेड है तो वो भी आपका एक हेड हो गया वो आपका एक बॉस हो गया ऑन द अदर साइड दूसरे साइड पर आपका जो प्रोडक्ट का हेड है वो भी आपका बॉस

और के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोल एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप्स आर डेलिबरेटली लेफ्ट वेग बिकॉज द अंडरलाइंग एजम्सन ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर इज दैट वेन टीम मेंबर्स आर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव द फॉर्मल अथॉरिटी दे आर फोर्स टू कोऑपरेट एंड गेट जॉब डन अब यहां पर क्या हम करते हैं कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो रोल्स होते हैं उसको हम बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन नहीं करते थोड़ा सा वेग छोड़ देते हैं वेग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अगर आप देखें एक साइड पे फंक्शन है एक साइड पे प्रोडक्ट है दोनों साइड पर एक एक हेड है दोनों साइड पर और जो है वो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है इसको भी रिपोर्ट कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन अगर आप यहां पर बहुत चीजों को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्लिक्ट बढ़ जाएगा तो आप क्या करते हैं थोड़ा सा वेग छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब को पूरा कंप्लीट करना जॉब नीड्स टू बी डन तो अगर जॉब को डन करना है तो वहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि कहीं किस किसी किसी सिचुएशन में प्रोडक्ट मैनेजर भी थोड़ा सा झुक जाता है तो किसी किसी सिचुएशन में फंक्शनल मैनेजर को भी थोड़ा झुकना पड़ता है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सेटिंग बिठा लेते हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है तो इतना ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था अब इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं कि ऑब्वियसली ऑब्बियसली स्ट्रक्चर अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं एक एक रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फास्टर फ्लेक्सिबल सिस्टम की रिक्वायरमेंट एंड दैट इज वाई वी यूज मैट्रिक स्ट्रक्चर लेकिन इसमें एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट हो जाता है काफी फास्ट हो जाता है उसका रीजन क्या है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहा है तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत क्लियर होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन में या डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है हर डिपार्टमेंट ऑटोनोमस हो जाता है उसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन यहां पर क्या है बिल्कुल कनेक्शन है एक तरफ फंक्शनल स्ट्रक्चर है एक तरफ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है दोनों को आप मर्ज कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ लिंक बनना बहुत मल्टी पल मैनेजर्स एक साथ काम करते हैं एक आइडिया पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ दिस आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है और बहुत सारे इश्यूज को तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम इतना नहीं आता ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो दूसरा बेनिफिट है वो इंप्लॉय का मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है क्यों बढ़ जाता है उसके बारे में बात करते हैं इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंप्लाइज हैव मच मोर ऑटोनॉमी एंड इनपुट ऑन द प्रोजेक्ट अब यहां पर क्या है थोड़ी ऑटोनॉमी होती है ऑटोनॉमी ये होती है कि जितने भी मान लो अगर मैं प्रोजेक्ट प्रोडक्ट हेड की तरह काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि जो इंप्लॉयज मेरे अंडर काम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे काम

डायरेक्शन आ जाए और हमें बस फॉलो करना है तो वो काम यहां पर उतना ज्यादा नहीं होता लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एडवांटेज तो यहां पर आपका जो टीम वर्क है वो बेहतर बेहतर हो हो जाएगा क्यों हो जाएगा टीम वर्क वर्क क्यों बिकॉज अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट जो इंप्लॉयज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं प्लस वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ विच क्या होता है कि जो इंप्लॉय का इंटरेक्शन होता है आपस में वो बढ़ जाता है जैसे अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूं लेकिन मैं किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूं किसी प्रोडक्ट पे भी काम कर रहा हूं जहां के दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं तो उनसे मेरा इंटरेक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा और उसकी वजह से कम्युनिकेशन भी और बेटर होगा इंटीग्रेशन और अच्छा होगा टीम वर्क बहुत अच्छा हो जाता है मैक्सिमाइजेज रिसोर्सेस रिसोर्सेस का भी आप पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं यहां पर क्योंकि यहां पर रिसोर्स को हम शेयर करते हैं राइट यहां पर रिसोर्स काफी शेयर होते हैं और उसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल होता है रिसोर्सेस का वो बढ़ जाता है चाहे इंप्लॉइज हो चाहे इक्विपमेंट हो उनकी शेयरिंग की वजह

अब किसी जगह पर क्या हो रहा था फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक ही काम को करता रहता है वो एक डिपार्टमेंट का हिस्सा है तो उस डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो वही काम करी जा रहा है कोई एचआर डिपार्टमेंट है तो वो एचआर का ही काम करी जा रहा है बट यहां पर क्या होता है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट पे आप काम करते हो डिफरेंट आइडियाज पे काम करते हो डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हो तो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ज्यादा बेहतर हो जाती है तो ये तो आपके मेजर एडवांटेजेस हो गए और भी काफी होंगे बट मैंने आपको थोड़ा जो मेन मेन इसके मेन एडवांटेजेस है वो मैंने आपको बता दिया कुछ और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि सब कुछ उसमें अच्छा अच्छा ही होता है कुछ बुरी बातें भी होती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं जो सबसे पहला प्रॉब्लम नजर आता है कि पोटेंशियल कंफ्लिक बिटवीन द प्रोजेक्ट हेड एंड द फंक्शनल हेड अब एक साइड पर फंक्शन का हेड है एक साइड पे आपके प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का हेड है इन दोनों के बीच में अगर आपस में कंफ्लिक्ट हो गया तो समझ लीजिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा बिकॉज जो इंप्लॉयज होंगे वो बहुत परेशान हो जाएंगे उनको तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि होम एंड वेन टू रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करे इसको रिपोर्ट करे ये कहेगा मेरे को रिपोर्ट करो ये कहेगा आप मेरे सुपरविजन में काम करते हो मेरे मेरे को रिपोर्ट करो तो इंप्लॉय पूरी तरह से कंफ्यूज कंफ्लिक्ट बहुत हाई और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो तो पूरी तरह से सफर करेंगे तो इंप्लॉय का कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा इशू है और पोटेंशियल कंफ्लिक्ट

तो वहां पर क्या होता है मल्टीटास्किंग लीड्स टू स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है कई बार बर्नआउट भी हो सकता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ने की जगह कई बार घट भी जाती है तो मोनोटोनस तो हो सकता है जॉब थोड़ा कम हो जाए क्योंकि आप बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हो लेकिन बहुत सारी चीजों पर अगर आप एक साथ काम करते हो तो उसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस को नीचे ले आता है सो दीज आर द सर्टेन मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक स्ट्रक्चर आई होप आपको यह समझ में आ गया हो कि मैट्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है इसके करेक्टर